गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आरआरबी एनटीपीसी का। देखिए, आप सभी को पता था कि आरआरबी एनटीपीसी जो है नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा हुआ था आपका 35,270 वैकेंसीज। ठीक है, तो फ्रेंड बता दूँ मैं आपको, अभी एक नोटिस आया है उसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसी जो है इंक्रीज हो गई है। एक रिवाइज नोटिस आया है और रिवाइज नोटिस में लगभग 10,000 वैकेंसीज बढ़ गई हैं और अब वैकेंसीज हो गई हैं 44,531 वैकेंसीज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको मैं बताऊंगा आपको, ऑफिशियल है। और फ्रेंड्स, बाकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसे कि सिलेबस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, ठीक है, स्टेजेस कितनी होंगी, मतलब पार्ट वन पार्ट टू क्या क्या होगा, ठीक है, टाइपिस्ट के लिए क्या होगा, ठीक है, ट्वेल्थ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ट्वेल्थ में, ठीक है, ग्रेजुएशन में क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला ख़राब है और थोड़ी तबीयत ख़राब, और इसके बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिस था और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पहले पता था कि 1,30,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन आई 35,270 वैकेंसीज और अब जो रिवाइज नोटिस है उसमें आया हुआ है 44,531 वैकेंसीज। ओके फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर आता है, उन सभी की वीडियो आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं। अनअकैडमी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वीडियो की, जो कि जीके जीएस और मैथ रीजनिंग हो, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड देखिए, नोटिफिकेशन आ चुका है, ये रिवाइज नोटिफिकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, ठीक है, जो भी वेबसाइट हो उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डेट्स जो रहती हैं वो तो सेम ही है, पहले भी और अभी की भी सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ हैं, चेंजेस यहाँ हैं, ठीक है, ओके, चेंजेस कहाँ हैं, यहाँ पर है। आपको देखिए यहाँ पर वैकेंसीज कितनी हैं, 14,060 वैकेंसीज, जो पहले थी 10,000 कुछ वैकेंसीज थी, 14,060 वैकेंसीज यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो ग्रेजुएशन के लिए है, देखिए ट्वेल्थ के लिए 14,000 थी, ओके, और ग्रेजुएशन के वाले के लिए यहाँ पर 30,471 वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल मिलाकर अगर हम देखें 44,531 वैकेंसीज बनती हैं। और पहले कितनी थी, पहले थी 35,270 वैकेंसी, 77 वैकेंसी, ठीक है, तो लगभग 10,000 वैकेंसी जो हैं बढ़ चुकी हैं। कितनी बढ़ गई हैं, 10,000 वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा और भी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो देखिए लिखा हुआ है आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2019 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती में जो गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी जो है एनटीपीसी के लिए 44,531 रिक्तियाँ शामिल है। इसमें सहायक, ठीक है, माल गार्ड जो जो गार्ड होते हैं, वरिष्ठ वाणिज्य टिकट क्लर्क, ठीक है, वाणिज्य जो है, जो टाइपिस्ट होते हैं, जूनियर खाता सहायक, ठीक है, और वरिष्ठ टाइपिस्ट जो हैं, और अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर है, मैनेजर की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, तो इनकी वैकेंसीज जो हैं टोटल मिलाकर 44,531 वैकेंसीज हो रही हैं। ओके, और पहले कितनी थी, पहले थी 35,270 वैकेंसी, कितनी, 77 वैकेंसीज। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए एग्ज़ाम के लिए। देखिए पहला पॉइंट है, उम्मीदवारों को केवल एक आरआरबी पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जो होगा किसी भी एक आरआरबी में आप क्या है आवेदन कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, अगर आपने कोई भी एक आरआरबी चूज़ कर ली, उसमें आपकी जॉब लग गई, तो वो हमेशा के लिए आप उस आरआरबी में ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक से अधिक आरआरबी के लिए आवेदन सभी आवेदनों की अस्वीकृति का कारण रहेगा। ठीक है, एक से दो
या तीन या अधिक इससे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एस सी ई एन के खिलाफ एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का कोई भी प्रयास अयोग्यता व दुर्बलता का कारण होगा। तो ये थोड़े से पॉइंट जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, यदि उम्मीदवार 7B CPC पदों के लिए एक से अधिक स्तरों के लिए पात्र है तो वह उन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है यदि उम्मीदवार जो है 7B CPC पदों जो हैं उनसे एक से अधिक पदों के लिए जो पात्र है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन वाले होंगे, तो वो एक से अधिक पदों के लिए क्या करेगा, आवेदन कर सकता है। जो कि आपको लिस्ट बनानी होगी, 1, 2, 3 वहाँ पर आपको डालना होगा। आगे देखेंगे, उम्मीदवारों को अपने पद बार और रेलवे प्रोडक्शन यूनिट यानी कि PU की प्राथमिकताओं को बहुत सावधानी से इंगित करना होगा, ठीक है। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतिज्ञा करने वाले पात्र नहीं है और इसलिए सावधानी से लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए ये डेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉन टेक्निकल डेट्स हैं, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन फिर भी जो है सही रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन, देखिए 28 फरवरी को आपका ऑनलाइन जो है नोटिफिकेशन आ चुका था, ओके, और 1 मार्च से जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका भरने लगा था, ठीक है। ओके, यहाँ पर उसके बाद हम और भी आगे चलते हैं। देखिए फीस की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, और 10th और 12th और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं और अलग अलग उनके लिए योग्यता है। आगे देखें, देखिए फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी होगी जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी, उसको 500 रुपीज़ देने होंगे और 400 वापस तब आएंगे जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे CBT 1 और SC ST एक्स सर्विसन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो हैं उनको 250 रुपये देने होंगे और 250 उनके वापस आ जाएंगे, कब, जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा CBT, ठीक है। ओके, अब यहाँ को यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये जो चीज़ है मैंने बनाई है खुद से, और आपको जो है आप ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम देखने वाले हैं स्टेजेस कितनी होंगी, 2 स्टेजेस होंगी और टाइपिस्ट के लिए 3rd स्टेज होगी। Stage 1, Stage 2 टाइपिस्ट स्किल होगी, एप्टीट्यूड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस होंगी। अगर हम बात करें किसकी, Stage 1 की, तो Stage 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अर्थमेटिक 20 नंबर का, जनरल साइंस भी 25 नंबर का, रीजनिंग 25 की और जनरल अवेयरनेस कितनी की आएगी, 30 नंबर की। आपको मिलेंगे 90 मिनट और 100 क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो आप फर्स्ट स्टेज जब क्वालिफाई करेंगे सेकेंड स्टेज में आएंगे, जब 20 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, ओके, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन, देखिए हर में 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक में टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और हर जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, तो 120 क्वेश्चन और 120 नंबर और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। माइनस मार्क की बात करें, माइनस मार्किंग की नेगेटिव की, तो 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। वैसे मैं बता दूं तो 1/3 की माइनस मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड आई थिंक ये वीडियो जो है, तो फ्रेंड देखिए आपको आई थिंक ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको दिखा दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, किसी भी RRB की वेबसाइट से। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन फ्री स्टडी का जो चैनल है उसे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगी, GK मिल जाएगा और बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वगैरह है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है, ऑनलाइन फ्री स्टडी को, यहाँ से आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जो थम्सअप का बटन है उसे, और शेयर जरूर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि अभी तक किसी ने ये नोटिफिकेशन नहीं बताया है और अभी तक किसी ने नोटिफिकेशन पढ़ा ही नहीं है पूरा।
ठीक है, तो रिवाइज नोटिफिकेशन आ चुका है, इससे आपको वैकेंसी जो है लगभग 10,000 बढ़ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा, जिसके बाद आपका बेल का आइकन दबाने के बाद आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसे इजीली देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।